नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ बसंत पंचमी का आज दिन भी है और हैप्पी बसंत पंचमी ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता हो गया है, आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ESW के लेटर के बाद तुरंत PCDA का सर्कुलर जारी हो जाता है, वैसा ही हुआ और PCDA ने सर्कुलर जारी कर दिया है जो सर्कुलर नंबर 666 के नाम से फेमस है। सेम टू सेम वही चीज़ किया है, सेम टू सेम वही लेटर वो PCDA ने जारी कर दिया है और उसको सिर्फ अपना कवरिंग लेटर बना कर ही उसके ऊपर से जो कुछ पॉइंटों को वो मेंशन करके, कुछ पॉइंट को डिस्क्राइब करके उसी को दोबारा वो से जारी कर दिया। वैसे तो PCDA की साइट खुल नहीं रही जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों के कोरिजेंडम PPU भी आने लगे हैं, कुछ लोगों को मैसेज भी आने लगे हैं, शायद अगले महीने से आपको एरियर्स का भी मैसेज आ जाए। तो इस प्रकार दोस्तों PCDA बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि 20 तारीख को जैसे ही DSW की लेटर जारी होने के बाद ही उसने भी 20 तारीख को ही सर्कुलर नंबर 666 भी जारी कर दिया है। तो इस प्रकार सर्कुलर नंबर 666 जारी कर दिया है, लेकिन इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्कुलर नंबर 666 और सर्कुलर नंबर 555, अब इसमें आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन आपको किसके आधार पर मिलेगी? वन रैंक, क्या वन रैंक वन पेंशन के आधार पर मिलेगी, क्या वन रैंक मैनी पेंशन के आधार पर मिलेगी? पेंशन के कई सारे कैटेगरी हो गए। ORUP 1 हो गया यानी सर्कुलर नंबर 555, ORUP 2 हो गया सर्कुलर नंबर 666, इसके करेजेंडम PPU भी आने लगे। वहीं पे नोशनल पे हो गया, कुछ लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसको नोशनल पे के हिसाब से पेंशन मिलती होगी, और कुछ लोग नॉर्मल जो विदाउट न ORUP 1 न ORUP 2 न नोशनल पे, विदाउट जो 2019 के बाद आए हुए जवान हैं, वो सिर्फ अपने पे लेवल के हिसाब से। इस प्रकार के पेंशन की चार कैटेगरी हो जाती है। वहीं पे जो बताया जाता है कि मैनी वन रैंक वन पेंशन और यहाँ पे वन रैंक फोर टाइप पेंशन हो जाता है। इन जवानों को ORUP 2 के हिसाब से मिलेगी, वहीं पे इन जवानों को ORUP 1 के हिसाब से मिलेगी। इनको पेंशन अलग मिलेगी, कुछ जवानों को पेंशन इनके हिसाब से मिलेगी, कुछ जवानों को पेंशन इनके हिसाब से मिलेगी। अब यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कैसे, जिन जवानों की पेंशन बढ़ी हुई है, जैसे यहाँ तक सिपाही से लेके हवलदार तक की पेंशन बढ़ी हुई है, तो ये लोग इन पेंशन ORUP 2 के हिसाब से पेंशन लेंगे। लेकिन जिन JCOs की पेंशन बढ़ी नहीं हुई है, जिन JCO ORUP 1 के, जो ORUP 1 में जो शामिल JCOs हैं जिनकी पेंशन बढ़ी हुई नहीं है, तो वो तो ORUP 1 के हिसाब से पेंशन लेगा, उसको पेंशन ORUP 1 के हिसाब से मिलेगी। वहीं पे जिन JCOs का पेंशन बढ़ के यहाँ तक आया हुआ है, यानी 2016 से लेके 2019 तक के जो JCOs हैं जिनके पेंशन बढ़ के यहाँ पे आई है, तो उनको पेंशन यहाँ पे मिलेगी, उनको पेंशन यहाँ पे ORUP 2 के हिसाब से मिलेगी। वहीं पे जिन जवानों को न ORUP 2 लागू हुआ न ORUP 1 लागू हुआ, तो उनके लिए ORUP नॉर्मल रेट से विदाउट इस प्रकार मिलेगा। और जिन जवानों को, और कुछ जवानों ने जैसे नोशनल पे का, कुछ जवानों ने हो सके नोशनल पे का इम्प्लीमेंट कराया हो, कुछ जवानों को नोशनल पे के हिसाब से मिल रहा होगा, कुछ ही जवान होंगे इसमें नोशनल पे के हिसाब से लेने वाले, चाहे हो सके ना भी हो, लेकिन ये नोशनल पे भी एक कैटेगरी हो गया जो नोशनल पे के हिसाब से मिल पाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो ORUP 1 के जो जवान, जो सिपाही से लेके हवलदार तक के जो रैंक्स के जो सोल्जर्स हैं, उनको ORUP 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको ORUP 2 के हिसाब से मिलेगा। वहीं पे पोस्ट 2016 के बाद के हैं, वो भी ORUP 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको ORUP 2 के हिसाब से मिलेगा। वहीं पे JCO साहिबान में ORUP 1 में जो हैं, जिनकी पे हाई लेवल है, ORUP 1 के हिसाब से मिलेगी। और वहीं पे पोस्ट 2016 के जो JCO साहिबान हैं, उनको ORUP 2 के हिसाब से मिलेगी। और वहीं पे पोस्ट 2019 के बाद, ये 1/7/2019 के बाद के जो जवान हैं, जो अब तक टिल डेट तक, उन्हें तीसरे कैटेगरी के अनुसार पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक पेंशन की कैटेगरिया
एक दो तीन कैटेगरी हो जाती हैं, और इस प्रकार से किस प्रकार आपको मिलेगी, और नेशनल पे भी हो जाता है, इस प्रकार से चार कैटेगरी के पेंशन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों चार कैटेगरी के पेंशन हो जाते हैं। इस प्रकार ये वन रैंक वन पेंशन न होकर वन रैंक मैनी पेंशन हो जाता है। ORP 1 जो जैसे साहबान जो पहले ORP 1 ले रहे हैं तो वो इसमें लेंगे ही लेंगे, ORP 2 में कन्वर्ट नहीं होंगे। वहीं पे ORP 2 जिसमें जो जवान इसमें ORP 2 में आने पे उनको फ़ायदा हो रहा है वो जवान लेंगे, ORP 2 ORP 1 लेंगे नहीं। वहीं पे जो जैसे साहबान पोस्ट 2016 के हैं वो ORP 2 वो भी लेंगे। वहीं पे दो जो जवान पोस्ट 2019 के हैं, पोस्ट 2019 के हैं वो ना उन्हें ORP 1 लागू ना ORP 2 लागू, वो अपने 3 के हिसाब से लेंगे, वो चौथी कैटेगरी में हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो विदाउट ORP हैं वो चौथी कैटेगरी में हो जाते हैं। इस प्रकार से पेंशन की चार पांच कैटेगरी हो जाती है। नेशनल पे भी उसी में किसी को पेंशन मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा, ये नेशनल पे के हिसाब से भी उनको पेंशन मिल रही होगी। इस प्रकार से दोस्तों ये वन रैंक मैनी पेंशन हो गया, और इस पे गवर्नमेंट के कानों में कितना भी चिल्लाते रहो कोई खबर नहीं पड़ेगा, और वो इसी प्रकार चलती रहेगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।